हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लकी सर के ऑफिशियली एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग एक के रिजल्ट को लेकर। अगर आपने वर्ग एक का वर्ग दो का एग्जाम दिया है तो वीडियो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें, लकी सर की जो टीम है वो आप वर्ग एक वर्ग दो के रिजल्ट को एनालिसिस करती है। वर्ग एक का पीवी ने कर दिया है रिजल्ट घोषित। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर कमेंट करके बता दें, हमारी टीम आपका रिजल्ट एनालिसिस करके हम आपके सामने रख देंगे। आज नंबर लगता है हमारे पास अशोक कुमार यादव जी का, तो दोस्तों इनके रिजल्ट को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ। जैसा कि आप सभी यहां पर देख रहे हैं, मैंने सुरक्षा की दृष्टि से इनका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को हाइड कर दिया है। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, नाम है इनका अशोक कुमार यादव, फादर नेम गुलाब चंद यादव, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हाइड कर दिया है। कैटेगरी इनकी अनरिजर्व, जेंडर मेल, ओके। इनका डोमिसाइल एमपी का नहीं है, ठीक है, राजस्थान के हैं। दोस्तों ये कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं, ठीक है। डोमिसाइल नो, गेस्ट टीचर भी नहीं है, ठीक है। अप्लाइड 13 पोस्ट के लिए अप्लाइड किया है, यानी इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से अप्लाइड किया है। अब देखते हैं कि सिलेक्शन में इनकी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इनका स्कोर था 104.44, ठीक है, 104.44 इनका स्कोर है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका स्कोर नो चेंज रहा, ठीक है। स्कोर देख लीजिए 104.44। कैटेगरी इनकी अनरिजर्व है, एमपी का डोमिसाइल नहीं है, मेल है, ओके, पॉलिटिकल साइंस से अप्लाई किया, ठीक है, 104 स्कोर है, ओके। कंसल्टेड पोजीशन, ओके, मतलब पूरी पोजीशन देखी जाए इसमें। कंसल्टेड पोजीशन यानी आप एमपी के रहते हो आप, तो आपको इससे लेना देना नहीं है। अगर आप एमपी से अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको कंसल्टेड पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी, यानी 104 इनकी कंसल्टेड पोजीशन है, वेरी गुड। अनरिजर्व कैटेगरी में रैंक है 104, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। रिजर्व कैटेगरी बिल्कुल नहीं है, एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग नहीं करते, गेस्ट टीचर नहीं है, ठीक है, गेस्ट टीचर में रिजर्व कैटेगरी है बिल्कुल नहीं। अब इनकी रैंक की बात कर लेते हैं, ओके, इनकी अनरिजर्व से 104 रैंक बहुत अच्छी है, कंसोलिडेटेड रैंक है इनकी 104, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस से टोटल वैकेंसी कितनी थी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से लगभग वैकेंसी हमारे पास आ रही है, संभावित वैकेंसी है लगभग 1230 संभावित वैकेंसी हैं, और अशोक जी की रैंक है 104। अशोक जी आपका सिलेक्शन 200% हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। अदर स्टेट से बिलोंग करते बिल्कुल भी टेंशन ना ले। पीवी ने जब रूल बुक निकाली थी तो जब प्रारंभ में फार्म भर रहे थे तो मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन अनिवार्य था, लेकिन कुछ समय बाद संशोधित विज्ञापन निकला, उसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी की बाध्यता को खत्म कर दिया था, यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो अशोक जी आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना ले। अशोक जी कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप हमें डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर कमेंट करके बता दें। थैंक यू।